और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी को पता होगा कि कल मेरा जो है वो ज्वाइनिंग हो चुका है और दो टाइम की मैं ड्यूटी भी दे चुका हूँ। तो ड्यूटी का टाइमिंग अलग अलग है, मतलब 4 से 8 4 से 8, मतलब यदि आपको दिन में अगर 4 से 8 है तो शाम को जो है आपको नाइट में अगले दिन जो है वो 4 से 8 रहेगा, ठीक है। यानी 24 घंटे के अंदर 8 घंटे की यानी 4-4 घंटे की दो शिफ्ट होती हैं। और आज का जो अनुभव था वो बहुत अच्छा रहा। मैं भी यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हूँ और शाम को मैं वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए नहीं बना पाया। भाई आपके मन में एक सवाल होगा कि सर अनुभव कैसा रहा, कैसी नौकरी है, कैसा काम है और ड्यूटी में क्या क्या करना पड़ता है और वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका रवैया कैसा होता है और इन सब चीज़ों को लेकर के जो जहाँ तक मुझे जो है सीखने को मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा सबसे पहले कल क्या होगा, बेसिकली आपका सवाल होगा कि जब हम ज्वाइनिंग के लिए आएँ तो उससे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हमको लाने होंगे। तो याद रखना कि आपका ज्वाइनिंग लेटर लाना है और साथ में आपको आधार कार्ड लेके आना है, पैन कार्ड लेके आना है। पर ड्यूटी के टाइमिंग को लेकर के तो रात में भी आपकी रात में खैर लगेगी वो, तो अगर दिन में टाइम आ गया सपोज़ 12 से 4 तो रात में भी 12 से 4 रहेगा। कल मेरा जो है ड्यूटी रहा था 4 से 8 और बहुत अच्छा लगा यार। नहीं माफ़ी चाहूँगा, पहले जो पहला ड्यूटी था वो बहुत बोरिंग था। मतलब सपोज़ करो आप नए होते हैं, आप किसी को जानते नहीं हैं तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, मतलब जायज़ कुछ समय के लिए आप जो है वो थोड़ा शांति रहेंगे, तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। लेकिन अब मेरा मॉर्निंग में था 4 से 8 तो एकदम मज़ा आ गया ड्यूटी करके और सभी लोग जान पहचान हो गई तो आराम से बैठते हैं बातचीत करते हैं। और ये है ड्यूटी अलग अलग होता है। मेरा जो ड्यूटी लगाया था हमारे साहब ने वो ये था कि मतलब जो है बाउंड्री का आपको जो है देखना है, उसमें वॉक थोड़ा सा टहलते रहेगा ताकि कोई भी जो है वो कैदी वहाँ पर ना चढ़े। तो ये सब मतलब ड्यूटी बहुत कोई दिक्कत नहीं होता किसी भी तरह का। और जो वहाँ के जो पर्सन होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और जो मैम है या फिर सुपरिटेंडेंट हैं, जेलर हैं, डिप्टी जेलर हैं, एकदम शानदार, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने काम को याद रखिएगा और याद रखना जेल के अंदर सबसे बड़ा जो ऐसे समझो क्राइम जो माना जाता है वो ये है कि ड्यूटी के टाइम पर आप अगर सोते हुए मिल गए तो समझ लो आपको सीधे सस्पेंड किया जाएगा। बाकी यार बहुत अच्छा है, एकदम खाना वाना खाने के लिए आए हैं और मैं कल कोशिश कर रहा था कि आप सबके सामने आकर के अपनी दिनचर्या क्या रही उसको जो है बताया जाए, अच्छा रहा यार। और इस वीडियो के माध्यम से मात्र ये होता है कि मेरे जो फैमिली है, घर हैं, जो भी बच्चे हैं, मम्मी पापा भैया भाभी हैं, उनको ये पता चल सके कि हमारा छोटू क्या कर रहा है। तो इसलिए जो वीडियो है मैंने बनाया। आपका अगर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और जेल वाटर का देखो, ये जो ये देखे आप देख रहे हो ना, ये जो बैच है वो ये आप चाहे हिंदी का लगा लो, इंग्लिश का लगा लो, देर इज़ नो इशू। बट आप आइएगा और फुल वर्दी में आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ में बेल्ट वेल्ट जो भी आपका वर्दी में होता है वो आपका देखो, आपके सवाल आएंगे ज़रूर, वो आप पूछ लीजिएगा।